अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में परचेज वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से परचेज वाउचर के बारे में बता देते हैं। जब बेचने के लिए माल या मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नकद या उधार कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी तक के वीडियोस में हमने टैली में कंपनी बनाना, लेजर्स बनाना, स्टॉक ग्रुप्स बनाना, स्टॉक आइटम्स बनाना और इनसे संबंधित जो भी जरूरी था वो बताया। साथ ही रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी बताया। इसके बाद अब हम व्यापार के सबसे मुख्य कार्य परचेस सेल और उसी के साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर एक एक करके काम करने जा रहे हैं। इसके पहले रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में हमने टीआर और सीआर का उपयोग करते हुए एंट्रीज की थी और जैसा कि हमने आपको बताया था ये तीनों वाउचर्स कैश और बैंक से संबंधित होते हैं। अब हम जिन चार वाउचर्स यानी परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर पर काम करने जा रहे हैं ये चारों मुख्यतया माल यानी गुड्स से संबंधित हैं। टैली ने इन चारों वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए तीन मोड्स दिए हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एस वाउचर। पहले हम इन तीनों मोड्स को एक एक करके समझा देते हैं। यहाँ हमने टैली में कंपनी ओपन कर ली है जिसमें हम लगातार काम कर रहे थे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। वाउचर्स यानी अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए वी प्रेस करें। अब यहाँ परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ राइट साइड बटन बार में चेंज मोड लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे उसकी शॉर्टकट की H और उसके नीचे दो अंडरलाइंस हैं। यानी मोड बदलने के लिए कंट्रोल के साथ H की को प्रेस करें। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ मोड्स दिखाई पड़ेगी। जिस तरह से हमने डेबिट क्रेडिट लेकर पिछले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे यदि हम उसी तरह का मोड चाहते हैं तो हमें यहाँ से एस वाउचर सिलेक्ट करना होगा। देखिए ऐसा करते ही डेबिट क्रेडिट वाला मोड स्क्रीन पर आ गया है। यदि आप वाउचर मोड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रायः वाउचर मोड में ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हमें इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम्स का उपयोग नहीं करना होता है। जैसे कि हमने 1000 रुपए का माल खरीदा पर क्या खरीदा इसकी कोई डिटेल नहीं है या हम डिटेल देना नहीं चाहते हैं तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर मोड का उपयोग करेंगे। हमने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में इनवॉइस और कैश मेमो के बारे में बताया था। जब भी हम अपने व्यापार के लिए कोई खरीद करते हैं तो जिससे माल खरीदते हैं उससे यानी सप्लायर से बिल लेते हैं जिसमें हमारा नाम पता होता है। उसी के साथ हमने क्या माल खरीदा उसकी डिटेल्स होती हैं और उस माल पर जो भी टैक्स जैसे GST आदि जो भी चार्ज किया गया हो उसकी भी डिटेल्स होती हैं। और इसी तरह प्रायः सभी बिल्स आइटम इनवॉइस फॉर्मेट में ही होते हैं। आइटम इनवॉइस को हम आगे समझेंगे। यदि आप चाहें तो परचेस सेल्स के ट्रांजैक्शंस को वाउचर मोड यानी DR और CR वाले वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें भी आइटम्स के साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शंस होते हैं पर वहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली, देखने और समझने में ज्यादा आसानी तब होती है जब हमारे पास सप्लायर्स के बिल जिस फॉर्मेट में आते हैं उसी में रिकॉर्ड करें यानी आइटम इनवॉइस मोड में ही रिकॉर्ड करें। दूसरे, वाउचर मोड में GST जिसके बारे में हम आगे समझेंगे उसका कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक हो जाता है पर उसे समझने में कठिनाई आती है जबकि इनवॉइस मोड में ये स्पष्ट दिखाई देता है। आइए अब अकाउंटिंग इनवॉइस को समझ लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल और H कीज प्रेस करें। अब हम लिस्ट ऑफ मोड्स में से अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ओपन हो गई है और यहाँ ऊपर पर्टिकुलर्स लिखा दिखाई पड़ रहा है।
इस स्क्रीन को ध्यान से देखें, इसमें कहीं भी आइटम की डिटेल्स देने के लिए कोई जगह नहीं है। वास्तव में अकाउंटिंग इनवॉइस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सिर्फ अकाउंट्स यानी लेजर्स का ही उपयोग होता है। इस तरह के बिल में स्टॉक आइटम्स यानी इन्वेंटरी नहीं होती है। यदि आप कोई सर्विसेज के बिल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हम जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसमें इन्वेंटरी है, इसलिए हम कंट्रोल के साथ एच की प्रेस करेंगे और यहाँ से आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। देखिए, ऐसा करते ही परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है और इसमें ऊपर ही नेम ऑफ आइटम्स भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि माल खरीदने के लिए हमारे पास कैश कम था, तो तारीख 1 जुलाई को व्यापार का स्वामी 5,00,000 रुपए नकदी पूंजी लाया, जिसका ट्रांजैक्शन हमने रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, हमने सुनील एंटरप्राइजेस के कैश मेमो नंबर 111 तारीख 1 जुलाई 2020 से सोनी टीवी 20 इंच वाले 10 नग 20,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से और सोनी टीवी 30 इंच वाले 10 नग 30,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदे, जिसका कुल बिल अमाउंट 5,00,000 रुपए है। सप्लायर ने हमें इसका जो कैश मेमो दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कैश मेमो के आधार पर हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमें बिल में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। पहली बात, बिल में ऊपर की ओर सप्लायर का नाम हो। दूसरी बात, नीचे हमारा नाम हो। कई बार कैश मेमो की स्थिति में हमारे नाम के स्थान पर सिर्फ कैश मेमो भी लिखा होता है। तीसरी बात, बिल नंबर होना बहुत जरूरी है। यदि बिल नंबर नहीं है मतलब कि वो बिल ही नहीं है। अगली बात, बिल पर बिल की तारीख होना जरूरी है। विशेष तौर पर ये चेक करें कि दिन, माह और वर्ष सही हो। अगली बात, बिल कैश का है या क्रेडिट का। यदि कैश का है तो कैश के बारे में बिल में कहीं लिखा होना जरूरी है। अगली बात, हमने जो भी आइटम्स खरीदे हैं उनके नाम स्पष्ट रूप से लिखे हों। हमने मोटे तौर पर सभी डिटेल्स चेक कर ली हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले F2 की प्रेस करेंगे। अब जिस तारीख में ट्रांजैक्शन हुआ है वो तारीख टाइप कर दें। उसके बाद एंटर प्रेस करें। सप्लायर इनवॉइस में हमें सप्लायर के कैश मेमो का जो नंबर है वो टाइप करना है, फिर एंटर प्रेस करें। यहाँ सप्लायर के कैश मेमो की तारीख टाइप करें। अब एंटर प्रेस करें। पार्टी अकाउंट नेम के आगे पार्टी का नाम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि यदि हम कोई माल खरीदते समय ही कैश या बैंक के चेक से पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश या बैंक जिस भी माध्यम से पेमेंट किया है वो अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। और यदि हमने ये माल किसी से उधार यानी क्रेडिट पर लिया है, तो यहाँ जिस सप्लायर से उधार खरीदा है उसका अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। हमने ये माल कैश पेमेंट देकर खरीदा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ रिसीट डिटेल्स की छोटी विंडो आ रही है, इसमें माल प्राप्ति से संबंधित डिटेल्स दे सकते हैं। हमें कोई डिटेल नहीं देना है, इसलिए एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिसीट डिटेल्स की विंडो के बाद यहाँ पार्टी डिटेल्स विंडो आ रही है, इसमें सप्लायर की डिटेल्स डाल दें। यहाँ सप्लायर की डिटेल्स डालना जरूरी है, क्योंकि भले ही हमने माल नकद खरीदा है पर किससे खरीदा है ये तो रिकॉर्ड में होना ही चाहिए। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ परचेस लेजर में परचेस अकाउंट सिलेक्ट करें। हम नेम ऑफ आइटम्स में आ गए हैं। यहाँ आपको स्टॉक आइटम का नाम सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने वो स्टॉक आइटम नहीं बनाया हुआ है तो ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करके बना लें, और यदि बना हुआ है तो स्टॉक आइटम के नाम का पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने सोनी टीवी 20 इंचेस के लिए टाइप किया S। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में हमारे द्वारा टाइप किए गए अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी नाम हाईलाइट हो रहे हैं। इसमें से आप आइटम का नाम सिलेक्ट कर लें।
ऐसा करते ही आप क्वांटिटी फील्ड में आ जाएंगे। यहाँ आपने जो स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया है वो जितनी क्वांटिटी में खरीदा है वो टाइप करें, एंटर प्रेस करें। यहाँ उस स्टॉक आइटम का खरीद भाव टाइप करें, फिर एंटर प्रेस करें। देखिए अमाउंट फील्ड में स्टॉक आइटम का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। इसी तरह बिल में जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे हैं, एक एक करके सभी को सिलेक्ट करके उनकी डिटेल्स दे दें। देखिए हमने सभी आइटम्स की डिटेल्स दे दी हैं। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। अब इस लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। अब नरेशन में आप इस खरीद से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। अभी हमने जो परचेज वाउचर बनाया प्रायः उसके प्रिंट की जरूरत नहीं होती है, पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पेज अप की प्रेस करें। देखिए हमने जो वाउचर अभी सेव किया था वो दिखाई पड़ रहा है। अब आप यहाँ टॉप मेन्यू बार में प्रिंट ऑप्शन देख रहे हैं, उसके लिए ऑल्टर और पी प्रेस करें। अब यहाँ पर करंट सिलेक्ट करने के लिए आर प्रेस करें। देखिए प्रिंट विंडो आ रही है। एस्केप की से हम वापस पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं और इस विंडो पर आने का एक सरल तरीका देख लेते हैं। यहाँ कंट्रोल और पी प्रेस करें। ऐसा करते ही देखिए हम वापस प्रिंट विंडो पर आ गए हैं। इसमें प्रिंट प्रीव्यू के लिए या तो प्रीव्यू पर क्लिक करें या आई प्रेस करें। अब इस बिल को जूम करके देखने के लिए या तो यहाँ जूम पर क्लिक करें या ऑल्टर और जेड कीज को प्रेस करें। ये देखिए पूरा बिल अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। देखिए हमारे पास जो बिल आया था और अभी हमने जो आइटम इनवॉइस मोड में वाउचर बनाया है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी एक कारण था जिसके लिए हमने आइटम इनवॉइस मोड का उपयोग किया था। अब बाहर आने के लिए एस्केप की का उपयोग करें। ध्यान रखें परचेज वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम हमेशा ऊपर रहता है और इसमें यदि हमने नगद देकर माल खरीदा है तो कैश अकाउंट, यदि बैंक का चेक देकर माल खरीदा है तो बैंक अकाउंट, और यदि उधार यानी क्रेडिट पर माल लिया है तो माल देने वाले यानी सप्लायर का अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद परचेज लेजर आता है जिसमें हमेशा हमारी परचेज से संबंधित जो भी लेजर होगा वो सिलेक्ट करना होता है। आइए अब दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने सुरेश एंड कंपनी के इनवॉइस नंबर 310 2 जुलाई 2020 से सोनी टीवी 20 इंच वाले 5 नग 21,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से और सोनी टीवी 30 इंच वाले 5 नग 31,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदे जिसका कुल बिल अमाउंट 2,60,000 रुपए है। सप्लायर ने हमें इसका जो इनवॉइस यानी क्रेडिट मेमो दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में हमने जो 6 पॉइंट्स बताए थे वे पहले चेक कर लें। यहाँ पहले से ही परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले F2 प्रेस करके यहाँ वाउचर की तारीख डालें। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम इनवॉइस देखकर उसका नंबर यहाँ टाइप कर रहे हैं। यहाँ इनवॉइस की तारीख टाइप करें। अब पार्टी अकाउंट नेम में हमें कैश, बैंक या जिस सप्लायर से उधार माल खरीदा है उसका अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। हमने ये माल सुरेश एंड कंपनी से क्रेडिट पर खरीदा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हम सुरेश एंड कंपनी का अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। मान लीजिए सुरेश एंड कंपनी का लेजर सिलेक्ट करते ही हमें ध्यान आया कि हमने सुरेश एंड कंपनी का जो लेजर बनाया हुआ है वो गलती से सनबरी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है जबकि ये हमारा सप्लायर है, हम इससे माल खरीद रहे हैं, तो इसका लेजर सनबरी क्रेडिटर्स ग्रुप में होना चाहिए। तो हम बैकस्पेस की से पार्टी के नाम पर जाएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही लेजर अल्टरेशन विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम इस लेजर में जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। हम अंडर में सनरी क्रेडिटर्स कर रहे हैं और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ध्यान रखें
टैली में काम करते समय बीच में यदि आप किसी भी लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप इत्यादि में कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, तो वो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। विंडो को एक्सेप्ट करते ही हम रिसीट डिटेल्स पर आ गए हैं। हम इसे ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए या तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें या कंट्रोल और ए कीज को एक साथ प्रेस करें। ये देखिए हम पार्टी डिटेल्स पर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जिस सप्लायर का लेजर सिलेक्ट किया था उसका लेजर बनाते समय हमने जो डिटेल्स दी थी वो यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही हैं। यानी हमें कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ परचेज लेजर के आगे परचेज अकाउंट सिलेक्ट करें। हम नेम ऑफ आइटम्स में आ गए हैं। यहाँ आपको स्टॉक आइटम का नाम सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए स्पेस बार प्रेस करें। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ जाएगी, जिसमें स्टॉक आइटम के नाम के साथ ही वो आइटम अभी कितनी क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक में है ये भी लिखा होगा। लिस्ट में से आप आइटम का नाम सिलेक्ट कर लें। नाम सिलेक्ट करते ही ये हम क्वांटिटी फील्ड में आ गए हैं। यहाँ पर आपने जो स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया है उसकी जितनी क्वांटिटी खरीदी है वो टाइप करें। एंटर प्रेस करते ही देखिए रेट फील्ड में अपने आप रेट आ रहे हैं। ये वो रेट हैं जो आपने इससे पहले वाली परचेस में लिए थे। यदि ये ठीक है तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें और यदि ये गलत हो तो सही रेट टाइप करके फिर आगे बढ़ें। देखिए अमाउंट फील्ड में स्टॉक आइटम का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करके इसी तरह बिल में जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और आखिर में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। नरेशन में आप इस खरीद से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। अब हम एक और ट्रांजैक्शन तेज गति से कुछ नया सीखते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने सुरेश एंड कंपनी के इनवॉइस नंबर 410 तारीख 31 जुलाई 2020 से 30,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 1 टन वाले गोदरेज एसी 5 नग 150,000 रुपए में उधार खरीदे। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ से परचेस वाउचर सिलेक्ट करेंगे, फिर आइटम इनवॉइस में जाएंगे, F2 प्रेस करके तारीख डालेंगे। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम इनवॉइस देखकर उसका नंबर यहाँ टाइप कर रहे हैं। सप्लायर्स बिल डेट डालेंगे, पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, यहाँ परचेज लेजर के आगे परचेज अकाउंट सिलेक्ट करें और नेम ऑफ आइटम डालेंगे। यहाँ पर एक नई बात समझना है, हमने जो स्टॉक आइटम खरीदा है वो और उसका स्टॉक ग्रुप दोनों ही हमारी कंपनी में नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त ही उन्हें कैसे बना सकते हैं चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए ऑल्टर और सी प्रेस करें, आइटम का नाम टाइप करें, अंडर में हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए स्टॉक ग्रुप नहीं है तो उसे भी यहीं से बना सकते हैं, उसके लिए फिर से ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करें, ग्रुप का नाम दें, अंडर में आप जिस भी ग्रुप या प्राइमरी में इस ग्रुप को बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और फिर एक एक करके दोनों विंडोज को एक्सेप्ट कर लें। फिर है क्वांटिटी और रेट। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हों तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें, नरेशन डालें और एंड में इस विंडो को सेव कर लें। इस वीडियो में हमने परचेज वाउचर के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल्स वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं।